बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन नंबर बी सुगमकर्ता की, ऑप्शन नंबर सी निर्देशक की, ऑप्शन नंबर डी तालमेल बैठाने वाले की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुगम कर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन नंबर बी निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन नंबर डी उत्तर श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न औसतीय मानसिक प्रतिक्रियाएं ये नहीं होगा, बाकी तीनों होगा, उच्च आत्म क्षमता और अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना और उच्च श्रेणी की मानसिक प्रतिक्रियाएं ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित संभावित दंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित संभावित दंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षा को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन नंबर बी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है, बाकी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है सही है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया परिणाम होते हैं, ये भी सही है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आकलन एक शैक्षिक सत्र में दो बार करना चाहिए शुरू में और अंत में, ऑप्शन नंबर सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी
संवेगिक चिंतन ऑप्शन नंबर सी, अहमवादी चिंतन ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समयस्कों, समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे ऑप्शन नंबर ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी के होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का सदुपयोग करते रहते हैं या उपयोग करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे तब तक त्रुटियां करते हैं जब तक शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। ऑप्शन नंबर डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभी अंग है। जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन नंबर बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर डी, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन न करें उन्हें दंड दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके -- में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर ए, अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम शैली। ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तकता स्तर। ऑप्शन नंबर डी, मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम शैली की कमी या भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषित कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिसकी मातृभाषा वही जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी, हमारे आसपास का वातावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों पर प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर वन, बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक वे संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक वे संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी भी होगा, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, कहीं से भी भाषा का अर्जन किया जा सकता है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्ध को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक समूह कारक प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी, परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार, परिवार से ही समाजीकरण का
विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, लेखन अक्षमता डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी, गति समय अक्षमता डिसकैसिया। ऑप्शन नंबर डी, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 2 से 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, जन्म से 1 वर्ष। शैशव काल की अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गणित। ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से डैश डैश, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, जटिल से कठिन। ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य। ऑप्शन नंबर सी, साधारण से असामान्य। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सहयोग देना। ऑप्शन नंबर बी, सहभागी अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, सहयोगनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर डी, समीप्त विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। ऑप्शन नंबर सी, अकेंद्रिता। ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश कब जाए डैश डैश अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकृत अहम केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी, जीववादी सामाजिकृत। ऑप्शन नंबर सी, अपरिपक्व। ऑप्शन नंबर डी, अहम केंद्रित सामाजिकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकृत अहम केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए,
बच्चों का एक कोने में बैठना ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ऑप्शन नंबर सी, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए हस्तप्रत गतिविधियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए हस्तप्रत गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गति बोधक, ऑप्शन नंबर बी संगीतमय, ऑप्शन नंबर सी भाषाई, ऑप्शन नंबर डी स्थानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। ऑप्शन नंबर ए लिंग जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन नंबर बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी सही दृष्टिकोण वाला, ऑप्शन नंबर डी नीति परक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग जेंडर पक्षपाती, भेदभाव करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश के रूप में अनुरूप बदलना है। ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन नंबर बी परिवेश परिवार, ऑप्शन नंबर सी बच्चे परिवेश, ऑप्शन नंबर डी बच्चे व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।